उत्तराखंड के निजी विश्वविद्यालयों में भी इस सत्र से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, जिसके लिए शासन स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत अब निजी विश्वविद्यालयों को भी कैंपस में छात्र छात्राओं को पसंदीदा विषय चुनने की सुविधा देनी होगी। साथ ही लॉ एंड मैनेजमेंट कोर्स संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों को दूसरे विषयों के पाठ्यक्रम शुरू करने होंगे। बताते चलें कि राज्य के सभी डिग्री कॉलेज इस सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत शासन स्तर पर व्यवस्थाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिसके तहत छात्र छात्राओं को पसंदीदा विषय, मर्जी के मुताबिक ब्रेक लेकर पढ़ाई पूरी करने की सुविधाएं देने के साथ दूसरे विश्वविद्यालयों से संबद्ध पाठ्यक्रमों को संचालित करना होगा। राज्य में वर्तमान में 21 निजी विश्वविद्यालय, 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 12 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हैं। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर विपिन जोशी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कुमाऊं यूनिवर्सिटी और शासन के आदेशों के बाद अब कोई भी छात्र किसी भी विषय को अपनी सुविधा अनुसार ले सकता है। चाहे वह कॉमर्स का छात्र हो तो वह अर्थशास्त्र व अन्य विषय भी चुन सकता है। इस शिक्षा नीति से छात्रों को अत्यधिक फायदा मिलेगा। आज से एडमिशन प्रारंभ कर दिए गए हैं और 16 तारीख तक यह एडमिशन लगातार चलेंगे। होने हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होने हैं, जिसमें कि साइंस का बच्चा भी जो है आर्ट के सब्जेक्ट्स या हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ले सकता है, और आर्ट का बच्चा जो है कला संकाय का बच्चा साइंस और कॉमर्स भी पढ़ सकता है। तो ये जो हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय और शासन के जो निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये एडमिशन प्रक्रिया हमारी आज से शुरुआत हो गई है, और जो कि जो है 16 तक अभी चलेगी, क्योंकि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि 17 से जो है 2022-23 का पठन पाठन कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय की साइट में, वो सभी जो है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज में आएंगे और अपना प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। और जो कोई बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है, उन बच्चों के लिए जो है जब हमारी सीटें वैकेंट रहेंगी तो उसके बाद ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार शुरू की जा सकती है। जी, क्योंकि एक्चुअल में होता ये था कि जो हमारे साइंस के बच्चे आप देखते हैं कि कभी वो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे तो वो आर्ट्स के सब्जेक्टों को चूज करते थे। अगर उनका इंटरेस्ट शुरुआत से ही जो है आर्ट के किसी सब्जेक्ट के प्रति है तो वो साइंस पढ़ने के साथ में वो एक आर्ट का सब्जेक्ट भी लेकर के उस कमी को पूरा कर सकते हैं जो वो साइंस लेने के साथ में नहीं कर सकते थे। तो ये फायदा उनको आगे जैसे सिविल की तैयारी करनी है या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसके लिए उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वही LBS डिग्री कॉलेज में BSc2 की छात्रा वैभवी भट्ट का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को अत्यधिक फायदा होगा। BSc के बच्चे आगे चलकर अगर अपना कोई पसंदीदा विषय चुनना चाहेंगे तो वो उस विषय को चुन सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सभी छात्र छात्राओं को अत्यधिक लाभ होगा। फायदेमंद है क्योंकि आगे एग्जाम्स के लिए बहुत सारे मतलब कोर्सेज होते हैं जिसके लिए बच्चों को एक स्पेसिफिक चीज ही लेनी पड़ती है। अगर आप PCM वाले तो आप इंजीनियरिंग है वो कर सकते हैं, आप किसी दूसरे फील्ड में नहीं जा सकते हैं। अगर आप कॉमर्स ले सकते हैं, अगर आपने कॉमर्स ले रखी है तो आप साइंस की फील्ड में नहीं जा सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा है, तो हम इसको बहुत बेनिफिट मानते हैं और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। वहीं छात्र राजा धामी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति से छात्रों को अति लाभ मिलेगा। इस नीति से छात्र छात्राओं को अपने मन के विषय चुनने और मर्जी के मुताबिक ब्रेक लेकर पढ़ाई पूरी करने की सुविधा भी मिलेगी। जी, इसमें बहुत फायदा होगा। सरकार की अच्छा स्टेप उठाया गया है। जो सब्जेक्ट चेंज बच्चा कॉलेज में आने के बाद एक तरह कंफ्यूज कभी हो जाता है तो सब्जेक्ट चेंज करने में उसको आसानी होगी और आगे अपने भविष्य के लिए अच्छी तैयारी कर सकता है। इसमें मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही साथ प्रशासन का। आवाज़ इंडिया के लिए हल्द्वानी से जीवन पांडे की रिपोर्ट।